Hello everyone welcome to learning session this is sandhya and in today's session we are discussing about integrated ombudsman scheme launched by rbi in november 2021 before moving towards our session i want to inform that if you want to enroll for any of the course of learning session just don't forget to apply our coupon code that is new2023 to get 82% flat off on all the courses

लेट से देयर इज अ पर्सन ए एंड इन्होंने कोई सर्विसेज ली हैं बैंक से एंड ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद दो सर्विसेज किसी भी रिलेशन में हो सकती है मान लो डिपॉजिट अकाउंट के रिलेशन में लोन अकाउंट के रिलेशन में कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दी थी बैंक को ठीक है एंड दैट पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज तो ये केस में ये कंप्लेंट कर सकते हैं बैंकिंग पर्सनल के पास जो भी पर्सन स्पेसिफिकली अपॉइंट किया होगा ये जो भी ग्रीवेंसीज होंगे उनको रिड्रेस करने के लिए एंड ये जो बैंकिंग पर्सनल है इन्होंने सोल्यूशन प्रोवाइड करना है विद इन थर्टी डेज विद इन थर्टी डेज अगर तो इन्होंने सोल्यूशन प्रोवाइड किया एंड यू आर सेटिस्फाइड विद दो सोल्यूशन तो बात वहीं पे खत्म हो जाएगी एंड इफ़ यू आर नॉट सेफाइड विद दो फिर थर्टी डेज के अंदर अंदर इन्होंने आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो वो केस में आर बी आई कहते हैं कि वन पर्सन विल बी देअर नोन एज बैंकिंग ऑम्ब्समैन जिसके पास जाके आप कंप्लेट रजिस्टर कर सकते हो ठीक है so सो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट आता है बैंकिंग ऑम्बर्ट्समैन का ऑम्बसमैन बेसिकली क्या है कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे और यू कैन से अवार्ड डिक्लेयर करेंगे वो जो अवार्ड की अमाउंट रहेगी मैक्स टू मैक्स कितनी हो सकती है ट्वेंटी लाख मतलब ट्वेंटी लाख से एक्सीड नहीं करेगी मैक्सिमम जो अवार्ड डिक्लेयर किया जाएगा बैंकिंग ऑम्बर्ट्समैन की तरफ से दैट इज ट्वेंटी लाख और अमाउंट ऑफ लॉस विच इज लेस ठीक है और अमाउंट ऑफ लॉस विच इज लेस उसके अकॉर्डिंग आपको कंपनसेट किया जाएगा तो आई होप सो द थिंग इज क्लियर टू यू इन रिलेशन टू बैंकिंग ऑम्बर्ट्समैन अभी थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में देखते हैं कि ओम्बर्ट्समैन मीन्स वॉट एंड बैंकिंग ऑम्बर्ट्समैन स्कीम क्या है इंटीग्रेटेड ऑम्बट्समैन स्कीम लाने की जरूरत क्यों पड़ी ठीक है So who is ombudsman? Ombudsman is an appellate body where customer can escalate complaints if the financial institution fail to address the complaint within 30 days. Even when customer are not satisfied with the resolution offered or explanation given by the uh, financial institution, they can approach the ऑम्बसमैन जो भी सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा जो भी सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट यू कैन अप्रोच टू ऑम्बट्समैन ठीक है तो यही चीज मैंने आपको बताई अभी तक ओके okay.

जो तो आपकी स्कीम है इसको इंप्लीमेंट करवाया गया विद दी हेल्प ऑफ सेक्शन 35 ए ठीक है ये ध्यान में रखिएगा द बैंकिंग ऑपरेशंस में स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई इन 1995 एम एट फुलफिलिंग दी एक्सपेक्टेशन गैप ऑफ दी कस्टमर दैट दे हैव विद दी हेल्प ऑफ दे दैट दे हैव दी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू देम बाय दी बैंकिंग बाय दी बैंकिंग सेक्टर मतलब जिस अकॉर्डिंग जो लेवल की जो स्टैंडर्ड की उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी वो अगर नहीं की गई हैं तो वो चीज को खत्म करने के लिए यहाँ पे ऑम्बसमैन स्कीम जो है उसे इंट्रोड्यूस किया गया एलिजिबिलिटी क्या है एनी पर्सन ग्रीवेंस अगेंस्ट अ बैंक इज नॉट रिजॉल्ड टू हिज हिस्साफैक्शन बाय दैट बैंक विद इन अ पीरियड ऑफ थर्टी डेज थर्टी डेज तक आपने वेट करना है क्या फर्स्ट गो में ओम्ब्समैन के पास जा सकते हो कंप्लेन लेके इट्स आंसर इज नो ही बैंकिंग प्रोवाइडेड द मैटर ऑफ ऑम्बसेंट इज कवर्ड अंडर द स्कीम ठीक है देन नेक्स्ट इज स्कोप तो सारे कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड शेड्यूल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स जो है ये कवर करती है ठीक है देन ब्रॉड एरियाज कवर्ड अंडर दी स्कीम मतलब किस किस चीज के रिलेशन में अगर आपने यहाँ पे कोई इशू प्रॉब्लम फेस की है तो आप ऑम्बर्ट्समैन के पास जा सकते हो सबसे पहले डेफिशिएंसी इन बैंकिंग सर्विसेज नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ आर बी आई डायरेक्टिव ऑन लोन्स एंड एडवांस अगर डायरेक्शन इशू किए गए कि इतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपने लोन जो एप्लीकेशन है उसको डिस्पोज ऑफ करना है ना सेंशन करना है लोन की अमाउंट अगर गाइडलाइन नहीं मानेगी तो वो केस में आप ऑम्पर्ट्समैन के पास जा सकते हो डेफिशियंसी इन प्रोवाइडिंग द बैंकिंग सर्विसेज वो केस में बैंकिंग ऑम्पर्ट्स मैन के पास जा सकते हो डेफिशंसी पर्टेनिंग टू इंटरनेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन इंसिडेंट ऑफ रॉन्ग बिलिंग्स एक्सेट्रा इसके बाद एक स्कीम देखने को मिलती है ऑम्बर्समैन स्कीम फॉर एनबीएफ नॉन फ्री एंड एक्सपीडिशियस ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेजम आरबीआई ऑम्बन स्कीम फॉर एनबीएफ ऑल्सो आरबीआई कैन अपॉइंट वन और मोर ऑफ इट्स ऑफिसर इन द रैंक ऑफ नॉट लेस देन जोनरल मैनेजर एज ऑम्बसमैन तो की जो पोजिशन है उसके लिए आपका जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया या मैं बात करूं जो रैंक रहेगा दैट इज ऑफ जर्नल मैनेजर ठीक है जर्नल मैनेजर ऑफ अ बैंक कैन बी अपॉइंटेड एज अम्बर्ट्स अपॉइंटमेंट ऑफ ऑम्बडमैन विल बी फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग थ्री इयर्स एट अ टाइम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अवार्ड इज टेन लैख इन केस ऑफ मैसे मैंने आपको कितना बोला ट्वेंटी लैख ,00 बोला बट इन केस ऑफ एनडीएफसी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अवार्ड इज टेन लैख ठीक है अभी आते हैं इंटीग्रेटेड स्कीम के ऊपर जो हमारा टॉपिक था तो इंटीग्रेटेड ऑम्बर्टमैन स्कीम बेसिकली लाने की जरूरत क्यों पड़ी अगर आप मान लो बैंकिंग आ, आ, जो है आप बैंक के कस्टमर हो तो आप अगर कोई इश्यू फेस कर रहे हो तो किसके पास जाते बैंकिंग ऑम्बर्ट्समैन विल बी देयर है ना अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि एन के कस्टमर हैं तो डेफिनेटली एन के लिए बैंकिंग ऑम्बर्समैन अपॉइंट किए होंगे उनके पास जाके आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो डिजिटल ट्रांजेक्शन के रिलेशन में अगर आपने कोई प्रॉब्लम फेस की तो डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए यहाँ पे बैंकिंग ऑम्बर्ड्समैन अपॉइंट किए गए हैं आप सेपरेटली एप्लीकेशन फाइल करोगे एंड अपनी जो कंप्लेंट है उसको रजिस्टर करोगे तो यहाँ पे बेसिकली क्या किया गया कि uh, क्या दिक्कत या क्या इश्यू सामने आया डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज ऑफ सर्विसेज डेफिशिएंसी इन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स है ना प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स कि यहाँ पे ये इशू देखने को मिला कि ये जो केस है ना हमारे ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आता तो ये चीज़ को खत्म करने के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया इंटीग्रेटेड ऑम्बर्टमैन स्कीम इंटीग्रेट का मतलब क्या रहता है कॉम्बिनेशन तो यहाँ पे ये जो तीनों स्कीम्स है ना जो तीनों स्कीम्स हैं चाहे मैं बैंकिंग जो आपका बैंकिंग ऑम्बर्टमैन स्कीम है चाहे मैं एनबीएफसी की बात करूँ चाहे मैं डिजिटल ट्रांजेक्शन की बात करूँ

क्या फीचर्स हैं इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेडमैन स्कीम के अभी उसको डिस्कस करते हैं तो फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ इंटीग्रेटेड ऑम्बर्ट्समैन स्कीम कंप्लेनेंट विल नो लॉन्गर वरी अबाउट द फिगरिंग आउट अंडर विच प्लान ही और शी शुड फाइल अ कंप्लेंट विद द दैन की कस्टमर को अभी ये नहीं दिक्कत रहेगी कि बैंकिंग गॉम्ब्समैन स्कीम के अंदर जाए एनबीएफसी के अंदर दायर करनी है या डिजिटल कॉमन यहाँ पे आप जो एप्लीकेशन है वो फाइल कर सकते हो चाहे आप बैंक के कस्टमर हो एनबीएफसी के हो डिजिटल ट्रांजेक्शन के रिलेशन में अगर आपने कोई इशू फेस किया ठीक है तो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे रहेगा एप्लीकेशन आप थ्रू मेल ऑनलाइन आप सबमिट कर सकते हो ठीक है या विजिट करके जो ऑफिस है वहाँ विद दी हेल्प ऑफ दैट आप जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर सकते हो The scheme established deficiency in service as the basis for submitting a complaint with a list of exclusion

अंडर दिस स्कीम ईच चम्बर्टमैन ऑफिस जूरिस्डिक्शन विल नो लॉन्गर एग्जिस्ट अभी ऐसा नहीं कह सकते कि ये मेरी जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं है केस है ना आपको अलग से फाइल करना है इस तरीके से अभी ये चीज नहीं हो सकती रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन चंडीगढ़ हैज एज इस्टेब्लिश अट्रलाइज रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर टू रिसीव एंड प्रोसेस फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेंट इन एनी लैंग्वेज तो यहाँ पे सी आर पी सी सी आर पी सी सेंट्रलाइजिप्टो सेंटर इट इज इस्टर बी आई इन चंडीगढ़ फॉर वॉट पर्पज टू प्रोसेस फिजिकल फॉर्मेट चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट uh, में अपनी कंप्लेन रजिस्टर करनी है चाहे फिजिकल फॉर्मेट में इन एनी लैंग्वेज यू कैन सबमिट ठीक है द प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर इन दोजीशन ऑफ ए जनरल मैनेजर इन पब्लिक सेक्टर बैंक और इक्यूबिलेंट वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रेजेंटिंग द रेगुलेटेड एंटिटी ऑल्सो दे आर इन चार्ज फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन इन रिलेशन टू कम्पलेंट लॉन्ड बाई दस्टमर अगेंस्ट द रेगुलेटेड एंटिटी इन वेयर दैन इशू एंड अवॉर्ड अगेंस्ट द रेगुलेटेड एंटिटी फॉर फेलिंग टू प्रोवाइड एडिकुएट एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट द रेगुलेटेड एंटिटी विल नॉट एबल टू अपील अभी यहाँ पे जब भी कंप्लेन्ट रजिस्टर करवाई जाएगी ऑम्बसमैन के पास देन डेफिनेटली यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स डिमांड किए जाएंगे ओम्ब्समैन की तरफ से फ्रॉम दी रेगुलेटेड एंटिटी जिनके भी अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की गई है तो अगर आपने विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम आपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं करवाए तो वो केस में आपका जो राइट right है फॉर फर्दर अपील वो क्या हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा ठीक है अगर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाएं तो आई होप सो द थिंग इज क्लियर टू यू इन रिलेशन टू इंटीग्रेटेड ऑम्बर्ट्समैन स्कीम्स फीचर नाउ अगर मैं ओमबर्टमैन स्कीम की बात करूँ ना ऑम्बड्समैन स्कीम के अंदर अगर मैं फर्दर अपील की बात करूं तो इन केस ऑफ ओम्बमैन स्कीम फर्दर अपील कर सकते थे किन के पास कर सकते थे डेपुटी गवर्नर के पास किन के पास की जा सकती थी कंप्लेंट डेपुटी गवर्नर के पास लेकिन अगर मैं इंटीग्रेटेड ऑम्बर्ट्समैन स्कीम की बात करूं इंटीग्रेटेड ऑम्बर्ट्समैन स्कीम आने के बाद आपका जो अपीलिंग अथॉरिटी है दैट इज़ नाउ ईडी दैट इज नाउ ईडी दैट इज गोइंग टू बी चेंज बस ये चीज एक ध्यान में रखिएगा इन रिलेशन टू इंटीग्रेटेड ऑम्बट्समैन स्कीम तो दिस इज अबाउट इंटीग्रेटेड ऑम्बर्ट्समैन स्कीम्स ई फीचर्स आई होप सो दिंग इज क्लियर टू यूट इन रिलेशन टू इंटीग्रेटेड्समैन स्कीम तो इसी के साथ जो आज का सेशन है ऐसे वाइंड अप करते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट टू डे से इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक इट सब्सक्राइब आवर चैनल शेयर द वीडियो थैंक यू वेरी मच